रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त। बहुत इजी है, बहुत ही मज़े का बनता है। इसके लिए हमने बीफ का गोश्त ले लिया 1.5 किलो, प्याज हमने ले ली है 1/2 किलो, इन्हें हमने बारीक चॉप कर लिया, लहसुन के जोए ले लिए 8 से 10 अदद, 1 टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी। सबसे पहले हम बीफ को उठाएंगे, इस तरह के पीसीस कर लें। हमने इसके बड़े बड़े पीसीस रखने हैं। ये हमने बीफ के पीसीस कर लिए हैं, 3 अदद हमने बोन भी ले लिए हैं। पान उसमें ये अपना बीफ ऐड कर दें, प्याज और लहसुन ऐड कर दें, अपने सारे स्पाइसेस ऐड कर दें। हम 1/2 लीटर पानी ऐड कर लेंगे और इसे ढक दें 35 मिनट के लिए, ताकि हमारा बीफ अच्छी तरह से गल जाए। 35 मिनट बाद आपको दिखाते हैं। और ये देखिए 35 मिनट हो गए, हमारा बीफ कितनी अच्छी तरह से गल गया है। हाफ कप ऑयल ऐड कर लें, इसे डालकर हमने अच्छी तरह से भून लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये टमाटर की पेस्ट 1/2 कप, ये है, इसे भी डालकर हमने अच्छी तरह से भून लेना है। 5 से 7 मिनट हो गए, हमने टमाटर पेस्ट की अच्छी तरह से भून ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 1/2 किलो हमने आलू ले लिए, इन्हें हमने टुकड़ों में काट लिया, इन्हें भी डालकर हमें अच्छी तरह से भून देना है। तेल डाल के 10 मिनट हम इसे भी भून लेंगे। और ये देखिए 10 मिनट हो गए हमें आलू को भूनते हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस। 1 टेबल स्पून हमने ले लिए गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून साबुत जीरा, 1 टेबल स्पून मेथी, ये ऐड करके इन्हें भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है। और ये देखिए हमने मसाले अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सब्ज धनिया, इसे भी डालकर हमने अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखिए हमारा बीफ और आलू अच्छी तरह से भून गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, ये ऐड कर दें, ये अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे पकने दें 15 मिनट के लिए तेज आंच पे, ताकि हमारे आलू अच्छी तरह से गल जाएं। 15 मिनट बाद आपको देखिए 15 मिनट हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद सब्ज मिर्चें, एक को हमने काट लिया, एक साबत ऐड कर देंगे, फिर हम थोड़ा सा सब्ज धनिया ऐड कर देंगे। इन्हें डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए नाजीन, हमने अपना आलू गोश्त कर लिया तैयार। ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।